नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे साथ संजय लोचन जी हैं जो वाल्मीकि समाज से हैं। संजय जी, आप अधिकतर मंचों पे जाते हैं और वाल्मीकि समाज की बात करते हैं। आज भी वाल्मीकि समाज शादी ब्याह में तो बहुत बढ़िया कपड़े पहन के जाता है, यहाँ के अपने जो काम करने जाता है वो भी बढ़िया कपड़े पहन के जाता है, लेकिन फिर भी वो आज भी गटर का काम नहीं छोड़ रहा है। और वाल्मीकि समाज का उत्थान कैसे हो पाएगा वो बताएँ। धन्यवाद एसएम न्यूज़ का कि मैं तो अक्सर छोटा मोटा सामाजिक कार्य करता हूं और अपने YouTube चैनल बहुजन मीडिया पर हल्की फुल्की बाइट जो है पत्रकार मित्र मेरी लेते रहते हैं। बहुत दिनों बाद आज किसी पत्रकार ने मेरे से एक ऐसा सवाल पूछा जिस सवाल का जवाब वाल्मीकि समाज को ज़रूर देना चाहिए और बहुजन मीडिया या कोई भी मीडिया उस सवाल को वाल्मीकि समाज से नहीं पूछ पा रही। हाँ, उनकी तड़फड़ाहट, आम जनता, आम जनमानस की तड़फड़ाहट उस समाज के प्रति जरूर है, वो पूछना जरूर चाहता है लेकिन पूछ नहीं पा रहा। आज आपने जो मुझसे सवाल किया कि वाल्मीकि समाज जो है वो ब्याह शादियों में बहुत अच्छे कपड़े पहनता है और अन्य प्रोग्रामों में भी उसकी जो ड्रेस सेंस है वो बहुत ज़बरदस्त होता है, लेकिन वो गटर का काम नहीं छोड़ पा रहे, ये बिल्कुल आपकी बात में दम है। मैं इस देश के आम जनमानस से पूछना चाहता हूँ कि क्यों भाई, अगर कोई सफाई का काम या सफाई पेशे जैसा कोई काम किसी जाति विशेष की किस्मत में लिख दिया गया हो और उसको उन्नति और विकास के वो अवसर नहीं मिले हों जो उसको मिलने चाहिए, या थोड़े बहुत जो अवसर उसको मिले भी हैं उन्नति और विकास के, उन अवसरों में किन्हीं भी कारणों से अगर वो पीछे भी रह गया हो, तो क्या उसे पहनने ओढ़ने का हक नहीं है? पहनने ओढ़ने का हक तो सबको है, सब चाहते हैं कि मैं जब अपना जो मेरा काम है, जो मेरा जिस पर मेरे ये जो अच्छी ड्रेस या बुरी ड्रेस जिसे हम कहते हैं वो फिट नहीं हो रही हो, तो जब मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया हो और मैं ऐसे किसी प्रोग्राम में, ऐसे किसी कार्यक्रम में हूँ जहाँ अच्छे कपड़ों की ज़रूरत है, वह क्यों ना पहनूँ मैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं भी कई साल पहले, मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा सा आदमी हूँ, एक दो डिग्री फिग्री मैंने ले ली हैं, तो जब मेरी कॉम के जो ऐसे लोग थे जो थोड़े कम पढ़े लिखे थे लेकिन वो बहुत अच्छे कपड़े पहनते थे, तो मैंने कई बार उनसे सवाल किया। ये मैं इस प्रेस के माध्यम से इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जो सवाल आम जनमानस के मन में है, जिनका सवाल आज मैं दे रहा हूँ, वो जब मेरी कौम के लोगों से पूछे जाते हैं बिना प्रेस के, या पढ़े लिखे ऐसे लोग जिनको उनके वो कपड़े शायद अच्छे नहीं लगते हैं, तो उनका जवाब क्या था? तो मैंने बहुत सालों पहले लोगों से सवाल किए कि यार तुम तो इंजीनियर डॉक्टर की तरह लग रहे हो, ये हो वो, पर तुम तो सफाई का काम करते हो या इस तरह का काम करते हो, या तुम तो पढ़ लिख नहीं पाए इंजीनियर डॉक्टरों बनने के लिए तुमने कोशिश नहीं की। तो उन्होंने मेरे से एक सवाल किया कि साहब एक बात बताओ, हमारी जो परवरिश या जो भी हमारे वो जो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जो मैंने कहा अभी अपने सवाल उसमें जवाब में, कि ठीक है हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला, और जहाँ मान लो कहीं मौका मिला भी होगा तो मान लो कहीं हमारी कुछ कमियाँ भी रहीं कि हम अपने मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाए, लेकिन आज अगर सारे लोग अच्छे कपड़े पहन रहे हैं और आज ये शादी का माहौल है, और अगर मेरा ये बंद गले का कोट पैंट पहनने का मन था और मेरे पास पैसे भी हैं, तो मैं क्यों ना पहनूँ? क्या मैं सपनों में भी इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनूँ? तो मुझे उसकी बात अच्छी लगी और मैंने उनको ये कहा कि आप हमेशा इंजीनियर डॉक्टर के कपड़े पहनना, क्योंकि एक दिन आप जल भले इंजीनियर डॉक्टर अच्छे कपड़े पहन बन नहीं बन पाए, लेकिन अगर अच्छे कपड़े पहनोगे तो आपकी ये सोच जरूर डेवलप होगी कि आप अपने बेटे को या अपने भाई या अपनी बहन को इंजीनियर डॉक्टर बनाने की ओर जरूर अग्रसर होगे। तो एक तो पत्रकार महोदय, आपके इस सवाल का मेरे पास ये जवाब है जो मेरी कौम के लोगों ने भी कई मौक़ों पर मुझे दिया है। अब हम आपके दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल, आपने कहा कि वाल्मीकि समाज के उत्थान और विकास मैं वो काफ़ी पीछे रह गया। हाँ, ये अपनी जगह बात सही है कि उसको बहुत सारे मौके उसे मिले, कुछ मौक़ों का उन्होंने फ़ायदा उठाया, कुछ मौक़ों का उन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया, लेकिन मैं जो सबसे बड़ी कमी वाल्मीकि समाज में मानता हूँ वो ये मानता हूँ कि वाल्मीकि समाज में जो है वो शिक्षा के प्रचार प्रसार की बड़ी कमी रही और शिक्षा पर इस कौम ने बहुत कम काम किया, और जो उन्होंने काम भी किया वो काम भी एकदम बड़े दायरे में उन्होंने करने की कोशिश की, और अगर आप छोटी शुरुआत से काम किसी चीज़ की शुरुआत करेंगे तो आगे तक आप जाएंगे, एकदम आप बड़ी शुरुआत से अगर किसी चीज़ की शुरुआत करेंगे तो शायद आगे जाने के चांसेस वो आपके थोड़े से कम हो जाते हैं। तो वाल्मीकि समाज के साथ थोड़ी सी विडम्बना यही रही कि शुरू में जो हमारे वाल्मीकि समाज के बच्चे हैं वो सब माँ बाप यही कोशिश करते हैं कि वो पब्लिक स्कूलों में ही जाएँ, अच्छे स्कूलों में ही जाएँ, जबकि मैं ये मानता हूँ कि हमारे जो समाज के जो बच्चों की जो प्राथमिक शिक्षा है वो अकॉर्डिंगली टू उनके मदर फादर की जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसके हिसाब से होनी चाहिए,
कई लोगों से मुझे शिकायत है, मेरे पास तो बहुत सारे प्रूफ सबूत भी हैं, अगर कोई सज्जन आप मुझसे चाहें तो आकर स्टेज पर अकेले में समाज के बीच में मुझसे बहस कर सकता है, जहां मैं उन लोगों को ये प्रूफ करने को तैयार हूं कि हम अपनी हद से ज़्यादा प्राथमिक शिक्षाएं उन्होंने अपने बच्चों को चालू कर दी, जिस वजह से हमारे बच्चे चौथी पाँचवीं तक ही पढ़ पाए और चौथी पाँचवीं के बाद वो फिर सरकारी स्कूलों में आ गए और ना वो इधर के रहे ना फिर वो उधर के रहे। तो मेरी थोड़ी अपने लोगों से ये प्रार्थना गुजारिश है कि अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर बच्चे को छोटी शिक्षा से चालू करें, छोटे स्कूलों से चालू करें, जो अपने सरकारी स्कूल हैं या जो छोटे हमारे पब्लिक स्कूल हैं जिनमें कम फीस जाती है उनसे चालू करें, और कुछ पैसा बच्चे की 10th 12th की जो उसकी जो बड़ी पढ़ाई है जहां पर उसको कैरियर मेकिंग उसका जहां होना है वहां के लिए वो बचा के रखें, और ऐसी प्लानिंग करें जो है कि जहां आपके बच्चे को जब वो कैरियर में जाएगा और कैरियर की दौड़ में जब शामिल होगा वहाँ जो आपको खर्च करना है वो आप खर्च कर पाएँ। मुझे लगता है कि वाल्मीकि समाज यहाँ पर थोड़ा सा पिछड़ गया है, उसकी सोच यहाँ पर थोड़ी सी उसकी निगाह नहीं जा रही है। बाकी अब तो पूरे देश में वाल्मीकि समाज खूब पढ़ लिख रहा है और जो भी फ़ायदा है शिक्षा का वो खूब उठा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो खूब शहरों में घूमता हूँ, पूरे देश में घूमता हूँ, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश का तो मैं खुद हूँ, और दिल्ली में तो मैं 30-35 साल से रह रहा हूँ। जी, नशे को भी नहीं छोड़ पा रहा है वाल्मीकि समाज, जो खास कारण है उसका पीछे रहने का। हाँ, ये आपकी बात में दम है कि वाल्मीकि समाज नशे को नहीं छोड़ पा रहा है और उससे बहुत सामाजिक नुकसान हमारा हो रहा है, बहुत ज़्यादा सामाजिक नुकसान उससे हमारा हो रहा है। पर उसके पीछे मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि कई ऐसी बेड़ियाँ हमने अपने गले में और अपने हाथ पैरों में डाल ली हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, उनसे अगर हम थोड़ा सा दूर होना चाहेंगे तो नशा जो है वो अपने आप हट जाएगा। क्योंकि मैं जो आम जनमानस को एक बात बताना चाहता हूँ कि कम से कम हमारे 50% से ऊपर जो वाल्मीकि समाज के जो लोग जो नशा करते हैं उसमें नशे के प्रति उनका जो रुझान है वो उनकी जो मानसिक टेंशन है, जो उनको परेशानियां हैं, वो परेशानी उनको जो है वो नशे की तरफ ढकेल लिए मोर देन 50%। 30-40% आपको हमारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो मौज मस्ती के लिए नशा करते होंगे। तो हमें इन चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसी क्या परिस्थितियां हैं जो हमारे मोर देन 50% आधी आबादी से ज़्यादा जो नशे करने वालों की आबादी है, जो हमारे नशेड़ी भाई हैं जो नशा करते हैं, उनमें से 50% से भी ज़्यादा लोग जो है वो किन परिस्थितियों बस नशा करते हैं। इस पर हमारी सरकारों को, हमारे समाज को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारी बहू बेटियों को, हमारे नवयुवकों को ज़रूर काम करना पड़ेगा, और ख़ासकर हमारे जो दलित वंचित वर्ग की और कौम है जिसमें हमारे जाटक भाई हैं उनका बहुत सहयोग समर्थन की वाल्मीकि समाज को ज़रूरत है, खटीक भाई हैं, काछी भाई हैं, पासी भाई हैं, और जो दलित महादलित कौम समाज को एक होना चाहिए इस वक्त में, एक होना पड़ेगा। और अपने ही वाल्मीकि, अपने ही नशे वाल्मीकि समाज के नशे पर ही काम नहीं करना, सर्व समाज के नशे पर हमें काम करना पड़ेगा। और मुझे नहीं लग रहा कि नशे की जो प्रवृत्ति है वो ऐसी कोई बहुत बड़ी भयानक ऐसी प्रवृत्ति नहीं है जिसे हम छोड़ ना पाएं, अगर हम चाहेंगे तो जरूर छोड़ेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।